मोबाइल से सामने आ रही खाकी की काली करतूत। सिवान जिला के दरौंदा प्रखंड मुख्यालय पर पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। वहीं आज अंतिम दिन यहां से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें गेट पर तैनात दो होमगार्ड के जवान प्रत्याशियों से पैसा वसूलते नजर आ रहे हैं। प्रखंड मुख्यालय के ठीक सामने गेट पर दिन दहाड़े खुलेआम वसूली की जा रही है, जहाँ दो होमगार्ड के जवान जो भी प्रत्याशी नामांकन करके निकल रहे हैं उससे पैसा लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखना यह होगा कि वीडियो वायरल होने के बाद जिले के आला अधिकारी इस जवान लोग पर क्या कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बता दें कि अवैध वसूली कोई नई बात नहीं है, ऐसी करतूतें कई बार सिवान में हो चुकी है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि गेट पर पुलिस वाले बैठे हैं और जैसा ही प्रत्याशी नामांकन कराकर वापस लौट रहे हैं तो उनसे होमगार्ड के दो जवान पैसा वसूलते हुए नजर आ रहे हैं और चुपके से होमगार्ड के जवान पैसा लेकर जेब में रखते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस महकमे की खूब किरकिरी हो रही है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारी भी मामले की जांच में जुट गई है। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पोलस्त कुमार ने बताया कि वीडियो की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।